प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखा छोटी रक्का भी मैं भी झुपेल टू लिखा, तो बारीकाई से काम किया। अरे सपू रहने दे बेटा, मैच खत्म हो गया, अभी फिर टोपी पहना रहा है। ओ, अपना सुंदर मामा पे गया है ना बापूजी। अरे दादाजी, अब पहनो ना, आप इसमें बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा बाबा, ला ले, ये पहन ली मैंने टोपी, बस खुश। हाँ। इतना खेला फिर भी थका नहीं है तू है? अरे दादाजी, थकूंगा कैसे, मैच में इतना मजा जो आया है। अरे मैच खेलने का मजा तो आया, लेकिन उससे ज्यादा मजा तो मैच जीतने का आया। अरे बस अबे, कब से मैच 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 की बात है, बहुत आ गया, जीत गया है ना, खत्म करो बात मैच की। अरे बापू जी कहते हैं वैसा करना चाहिए। क्या आप हमेशा कहते हैं ना कि भाई वो आपसे कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी खुशी में आप उधर ही अटक मत जाओ, और भी ज्यादा अच्छा काम करने के बारे में सोचो। ठीक है, अगले साल ज्यादा विकेट से जीतेंगे। बेना, चलो मैं अभी अहमदाबाद जाता हूँ, मेरी लेट नाइट की फ्लाइट है। अरे जीजा जी, कहाँ चल दिए? हाँ, कहाँ चल? मेरे फ्लाइट की टिकट तो कल तक चैनल वालों ने निकलवा दी है। मैंने अच्छा हुआ तो ना बता दिया, मैं टिकट निकलवाने वाला था। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, नेक्स्ट टाइम आपको मौका दूंगा। ए टप्पू, कल से तेरी स्कूल चालू हो रही है, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना। हाँ मामा। और सुंदर मामा, थैंक यू, आपकी वजह से सोसाइटी में जीपीएल मैच हुआ, क्यों दादाजी? हाँ ये बात तो सच है भाई, सुंदर अगर तू नहीं होता तो गोकुलधाम में जीपीएल 2 नहीं होता। हाँ, मेरा मेरा जब भी सोसाइटी में आता है खुशियों की बारिश हो जाती है। अरे मामा, मैं तो कहता हूँ आप हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह जाइए। क्यों मम्मी? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। अरे तू अपना भाई को नहीं जानती है, है? वो बहुत स्वमान्य आदमी है, उसको हम कितना भी कहे वो अपने बहना के घर पे नहीं रहेगा। आप सच कह रहे हो माय डियर जीजा जी, मैं अपने बहना के घर पे नहीं रह सकता, मैं सामने वाला फ्लैट भाड़े पे लेके वहां रहूंगा। हो गया कल्याण, भाड़ा भी मुझे को देना पड़ेगा। अरे वाह वीरा, तू सामने रहने के लिए आएगा तो हम माँ को भी यहाँ रहने के लिए बुला लग गया, क्यों टप्पू के पापा? हाँ टप्पू के मम्मी, हाँ फिर हम सब अहमदाबाद रहने चले जाएंगे। अरे भाई, जो जहाँ है बराबर है, भगवान ने जिसको जिस प्रदेश में रखा है सोच समझ के रखा है, तू क्यों सबको इधर से उधर उधर से इधर करना चाहती है? अरे भाई, कुदरत के काम में क्यों तू टांग अड़ा रही है? बराबर है, जो जिधर है रहने दे सबको, जा है वहाँ। सॉरी भगवान। अरे मैं तो मजाक कर रहा था माय डियर जीजा जी, अरे मुझे तो दुनिया के किसी भी कोने में रहने का मौका मिले मैं अपने अहमदाबाद को छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। हाँ शाबाश। हाँ विश्वास भाई, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ भाई, हम लोग का जीपीएल खत्म हो गया, मैच आज ही कहा अभी खत्म हुआ। हाँ हम लोग ही जीत गए। हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, अपना ये जो डेकोरेशन का सामान है क्लब हाउस का और वो कंपाउंड का, वो कल सुबह निकल जाएगा ना? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम।
नहीं नहीं क्लब हाउस की चाबी मेरे पास ही होती है, आप मेरे पास आ जाना। हाँ ओके ओके थैंक यू थैंक यू। वो एक मेवा सेक्रेटरी साहब। हाँ बोलो। मैं घर गया था तो माधवी भाभी ने बोला कि तुम यहाँ हो, अब क्या बची हुई चीजें बटोर रहे हो? पत्रकार जी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है। ये जो डेकोरेशन किया है ना हमने क्लब हाउस में बाहर कंपाउंड में, तो वो डेकोरेशन वाले से बात कर रहा था कि वो कल सुबह तक निकल जाना चाहिए। भाई सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं। हाँ तो हमने ही बनाया ना सेक्रेटरी, और वो भी इसीलिए बनाया ताकि तुम फंक्शन के बाद सारी सफाई करवा सको, सारे सामान को वापस भिजवा सको। पटलाल ये सब बताने के लिए तुम वापस आए हो? नहीं भाई, ये याद दिलाने के लिए आया हूँ कि तुमने वो विनर्स टीम के और रनर्स अप टीम के चेक लिए कि नहीं सुंदरलाल से। अरे भाई दिए ना सबके सामने थे, बड़े बड़े चेक। तो क्या ये चेक डालोगे बैंक में? ये नहीं भाई, असली चेक ले लूंगा मैं। कब लोगे? जल्दी क्या, कल सुबह ले लूंगा ना पोपटलाल। अहमदाबाद जाओगे लेने के लिए? अहमदाबाद क्यों? अरे सुंदरलाल जा रहा है अभी रात की फ्लाइट से अहमदाबाद। कहते क्या कहते, अभी चलो जाके ले लेते हैं चेक, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बरोबर है चला 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 चला। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। मीरा माँ को प्रणाम कहना और कहना कि अगले जीपीएल में तो माँ को आना ही पड़ेगा। अरे माँ अगली जीपीएल में आएगी भी और खेलेगी भी। वाह बापूजी अंपायर और सासू माँ लेग अंपायर। अरे अंपायर अंपायर नहीं, माँ तो टीम में खेलेगी। अरे माँ तो ऑलराउंडर है क्यों? हाँ मुझे बॉलिंग माँ ने ही तो सिखाई है। अच्छा बेना मैं निकलता हूँ। बाय माय डियर टबू। बाय बाय मामा। बाय बाय बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जीजा जी मैं निकलता हूँ। निकल भाई निकल, छठी बार बोल रहा है तू। प्लेन से जा रहा है ना, ट्रेन से थोड़ी जा रहा है कि ऐसा दौड़ के ट्रेन पकड़ लेगा। प्लेन तो नहीं रुकेगा ना, होता उड़ जाएगा। अच्छा अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सुंदरलाल जल्दी है। हाँ बस चला। लेकिन मूवमेंट भाई बहुत ही मजा आया जीपीएल में। अरे आपकी बॉलिंग तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, अगले साल भी ऐसे ही धमाल करेंगे जीपीएल में। अच्छा तो चलो मैं निकलता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये भिड़े को तुमसे कुछ काम है। हाँ। अरे सुंदर भाई वो आपने जो विनिंग टीम और रनर अप टीम को जो चेक दिया ना वो बड़े बैनर जैसे, वो तो हम लोग किसी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते ना, तो वो असली चेक तो आपने दिया ही नहीं। वो तो मुझे पता है ना भिड़े भाई, मुझे पता है मैं अभी आपके घर में ही आ रहा था और आप यहाँ पे आ गए। देखो भिड़े भाई एक बात हमेशा याद रखना, तो सुंदर का कामकाज रनवे की तरह एकदम क्लियर होता है और इतिहास गवाह है। आज तक सुंदर ने दूसरों को मदद की है, सबका भला किया है, किसी का भी एक रुपया खाया नहीं है। सच बोल रहा है ये? नहीं बिल्कुल सही है जेठालाल, लेकिन सुंदर भाई मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी का हिसाब जो है वो रनवे की तरह एकदम क्लियर रखूं। इसलिए पूछ रहा था मैं। बराबर बराबर है भिड़े, बिल्कुल बराबर। हाँ तो मेरा कामकाज भी एकदम क्लियर ही है। ये लो भिड़े भाई चेक की जगह 1,62,111 रुपया रोकड़ा। ये क्या भिड़े भाई आपने मेरे वीरा पर शक किया, आधी रात को पैसे मांगने के लिए आ गया और पोपट भाई आप भी। नहीं भाभी क्या है ना, मुझे पूरा भरोसा है सुंदरलाल पे, ये भिड़े को भरोसा नहीं था इसलिए हम लोग आए। हबो ये क्या क्या बोल रहे, भरोसा नहीं था, तुम ही मुझे बोला कि अभी के अभी चलो सुबह नहीं जाना चाहिए। मैं सुबह नहीं भिड़े, ऐसी गलतियां हो जाती है भाई, तुम माफी मांग लो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कौन सी माफी, तुमने कौन सा माफ कर दिया मुझे, क्या बात बोल रहे हो तुम? शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो, एक पत्रकार और एक शिक्षक होके लड़ रहे हो? ये लो आपके रुपए, गिन लो। हाँ गिन लो भाई गिन लो। क्या पैसे का व्यवहार है ना उसमें एकदम चौखवट होनी चाहिए। अभी मैं बापूजी को पैसे देता हूँ तो बापूजी को बोलता हूँ आप गिन के ले लो, और अगर बापूजी से मैं पैसे लेता हूँ तो भी मैं गिन के लेता हूँ। क्या उसमें एकदम सब
अच्छा रहता है, क्लियर होता है एकदम। जेठालाल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे सुंदर भाई पे पूरा विश्वास है। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। अच्छा चलो चलो मैं निकलता हूँ, चलो जय जिनेन्द्र भाई, फुफट भाई, बाय बड़े भाई, बाय बाय। संभल के जाना भाई, हैप्पी जर्नी सुंदर भाई, आराम से। अभी आप दोनों का बिस्तर इधर हॉल में लगाऊं कि आप दोनों अपने अपने घर जाके सोएंगे? शुभ रात्रि जेठालाल, शुभ रात्रि चाचा जी, चल ले। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट चाचा जी। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। ये लीजिए चाय। अंजलि आज मुझे चाय नहीं, इसके अंदर जरा चॉकलेट मिल्क दो ना। ये क्या बचपना है तारा? अंजलि बचपना नहीं है, बचपन की याद है। देखो ना ये तमाम चीजें देख रहा हूँ तो है ना ऐसा अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर ये मेरी पेटी, इसके अंदर मेरी ड्राइंग बुक रहती थी, मेरी पेंसिल रहती थी, और ये मेरा टिफिन बॉक्स। माँ इसमें मुझे रोज खाना बना के डालती थी, अचार, और मैं रेसेस का इंतजार करता था कि कब हाफ टाइम हो और मैं खाना खाऊं। ये मेरा कंपास बॉक्स, कंचे भी साथ लेके जाता था स्कूल, कितना मजा आता था। ये टाई, टाई देखो मेरी स्कूल के अंदर, कितनी खूबसूरत टाई है ना। तारक आपको ये पेटी, नाश्ते का डब्बा, कंपास बॉक्स, वाटर बॉटल, पेंसिल, ये टाई भी याद है? तो जनाब आपको वो लकड़ी याद है कि नहीं? लकड़ी? कौन सी लकड़ी? वही लकड़ी जिससे शरारत करने पर आपकी टीचर आपको पीटती थी। जरा सी ग्रामर ठीक कीजिए अंजलि जी, क्योंकि टीचर थी नहीं, था मेल टीचर था, और उसके पास कोई लकड़ी नहीं थी, और लकड़ी होती भी तो मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे इतना शांत बच्चा था मैं, वन ऑफ द बेस्ट किड्स ऑफ द स्कूल, कभी पिटाई की जरूरत नहीं पड़ी। ये अलग बात है कि शादी के बाद रोज पिटना पड़ता। मतलब डाइट फूड खा खा के। तारक मजाक करना छोड़िए, और ये बताइए कि इतने रिवॉर्ड्स गिर में क्यों चले गए? अरे असल में क्या है अंजलि, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, और बच्चों के स्कूल का जो पहला दिन होता है ना वो कमाल का होता है, तो मैं उस पे कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वैसा फील नहीं आ रहा था, तो अचानक स्टोर रूम में गया और ये तमाम पुरानी चीजें मेरी उठा के लेके आया, तो सच पूछो तो उस आर्टिकल का फील भी आ गया, और वो जमाना याद आ गया जो कितना सच्चा था जब हम छोटे होते हैं, स्कूल का पहला दिन, हाय हाय हाय। वैसे तारक बात तो सही है, वैकेशन के बाद स्कूल का पहला दिन कितना एक्साइटिंग होता है ना, नए कपड़े, नई बैग, नए शूज, नए टीचर, नए क्लासमेट्स, ब्यूटीफुल। कितनी सच्चाई होती है ना उनमें। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे। तालक बेबी चलो चाय पी लो, और इसे ना चॉकलेट दूध ही समझना, ठीक है? या भाई ये टप्पू मोबाइल देना भाई, सुबह सुबह हजार काम होते हैं, ला मोबाइल। अबे दो मिनट, दो मिनट रख लीजिए। हाँ चाय। ये टप्पू, टप्पू तूने स्कूल बैग बराबर भर ली है ना? अगर कुछ भी भूल गए ना तो स्कूल के पहले दिन ही टीचर की डांट पड़ेगी। हाँ मम्मी अब भी भर देता हूँ। तो तुम्हारी स्कूल बैग कहाँ है? रूम में। वो सुंदर मामा। सुंदर मामा क्या? सुंदर मामा क्या? नहीं वो सुंदर मामा ने नई स्कूल बैग दी है, वही लेकर जा रहे हो ना बेटा? हाँ मम्मी वही बैग, वही बैग। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, मैं टिफिन लेकर आती हूँ, जल्दी करो बेटा। टप्पू तू मोबाइल ला भाई, तू बेटा लाना मेरा मोबाइल लाना भाई, ला इधर। हाँ पा। पा नहीं पूरा है तेरा पापा, लाना भाई मोबाइल, तो इसी तरह सुबह सुबह मेरे बैटरी खत्म कर देता, ला इधर। अरे 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 पापा रुको, अरे पापा रुको, टप्पू अरे पापा, अरे नहीं पापा नहीं, बस बस, अरे पापा मैं उठ लूंगा पापा। कहाँ गया मोबाइल? अंदर। टप्पू ये क्या किया तूने? अरे पापा मैं दो मिनट में निकाल कर देता हूँ। अरे टप्पू के पापा लगता है आपका फोन बज रहा है। हाँ बज रहा है ना, तो फोन उठाइए। उसके लिए पहले पूरा सोफा उठाना पड़ेगा। ये तेरे लाडले ने मेरा मोबाइल सोफे के अंदर डाल दिया है।
चुप्पुआ। डांट जरा उसको डांट। बेटा। बस। बेटा। बेटी थोड़े बोल सकती हो? मुझे ऐसा लगता है कि कानून को बुलाना पड़ेगा। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो फटाक से मोबाइल ढूंढ लेंगे। मजाक कर रही ऐसा टाइम पर तुझे मजाक सूझ रहा है? टप्पू टप्पू बाबा झूमे जाओ बेटा, देखो मेरा हाथ तेरा हाथ से लंबा है तो अभी फटाक से निकल। कौन फोन कर रहा है बार बार? वो यहाँ से कैसे पता चलेगा दया? मोबाइल ऐसे देखूंगा तो पता चलेगा ना कौन फोन कर रहा है। मिला 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 मम्मी मिला। अभी मिल जाएगा बेटा अभी। टप्पू के पापा सॉरी मेरा भी हाथ नहीं पहुंच रहा। तो बजट मैं देखता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मेरा ये पतला सरगुआ की सिंह जैसा हाथ अंदर नहीं जा सका तो आपका ये मोटा लोकी जैसा हाथ अंदर थोड़े नहीं जाएगा। असमत तो अभी क्या ऐसे रात देख के इधर ऐसे ऐसे खड़ा रहने का? मोबाइल अपने आप अंधेरे से डर के ऐसे बाहर आ जाएगा चुपचाप। शायद क्या इधर देख, इधर देख, क्या क्या बोली बोल। चप्पू क्या किया तूने सुबह सुबह? तू कभी सुधरेगा नहीं जिंदगी में। ये भाई ये क्या हुआ, सुबह सुबह टप्पू पे चिल्ला क्यों रहा है? अरे बापू जी यार टप्पू इसने मेरा मोबाइल सोफे में डाल दिया। अरे तो चिल्लाने की क्या जरूरत है, फोन निकाल ले। अरे नहीं निकल रहा है बापू जी, ये टप्पू ने ट्राई की, दया ने ट्राई की, अंदर तक हाथ ही नहीं जा रहा। ठीक है मैं निकाल देता हूँ, मेरा हाथ पतला है अंदर चला जाएगा। बापू जी आप कहाँ तकलीफ ले रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ पर। मिल जाएगा। पागल खुद ही सवाल करती खुद ही जवाब देती है। मिला बाबा जी मिला, ये साइड है, ये साइड, ये साइड। मिल गया भाई मिल गया। आश अरे अरे ये तो डीवीडी का रिमोट है। तूने डीवीडी का रिमोट भी सोफे में डाल दिया था? कब से ढूंढ रहे थे हम लोग बोलो। हाँ भाई चिल्ला मत। ये जेठिया फोन बज रहा है तो उठा ना। वही बापूजी फोन अंदर ही है ना, कहाँ से उठाऊं? मिला दादा जी मिला। हाँ भाई हाँ वे कब से फोन कर रहा है, कोई काम धंधा ही नहीं है। कौन है कब से फोन कर रहा है? समझ गए समझ गए, फोन देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन फोन कर रहा है। अरे भाई यहाँ तो कुछ नहीं है। ढूंढिए बापूजी, वो वही कहीं होगा, थोड़ा ये बाजू देखिए ये बाजू ऐसे ऐसा करके देखिए मिल जाएगा। पूरे एरिया से वाकिफ है तू सोफे के अंदर के? हैं फ्री टाइम में दोपहर को जाती है उधर घूमने को अंदर सोफे के अंदर? हैं इधर देखे उधर देखे क्या बोलना पड़ता है? कुछ नहीं, शांति रख, देख रहे ना बापूजी शांति रख। बाबूचक क्या मिल गया, मिल गया मेरा हाथ फंस गया। ये देख ये देख क्या किया तूने, तेरी वजह से बाबूजी का हाथ फंस गया। अरे टप्पू पे चिल्लाना बंद कर अभी हाथ निकल। एक एक मिनट बाबूजी एक मिनट। अरे मेरा गला दब रहा है। सॉरी सॉरी बाबूजी एक मिनट एक मिनट। ये दूसरा हाथ दीजिए। अरे
कहावतें जो बात कह देती हैं जिंदगी में वो बड़ी से बड़ी पुस्तकें नहीं कह पाती। एक वाक्य बहुत होता है किसी चीज को कहने के लिए। जैसे गुजराती में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, बकरू काटता ऊंट पैठू, मतलब छोटी मुसीबत से बचने के लिए आप गए और बड़ी मुसीबत गले में डाल ली। अब इस तरह की कहावतें दुनिया की विभिन्न भाषाओं में बहुत सारी अवेलेबल होंगी, लेकिन स्थिति ये है कि कई बार हम जिंदगी में ऐसा करते हैं, मुसीबत छोटी होती है लेकिन हमारे प्रयास हमें बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं। ठीक वैसा ही किया चंपक चाचा ने, जरा सी चीज थी मोबाइल फोन जिसे निकालना था लेकिन सोफे में हाथ फंसा दिया। अब देखिए साहब, स्थिति ऐसी है कि हाथ निकालने का जो संघर्ष है वो बड़ा रोचक है। मोबाइल फोन तो दूसरा आ सकता है लेकिन दूसरा हाथ कहाँ से लाएंगे? और आपको तो मालूम है कि यहाँ हाथ से और गड़ा परिवार एक दूसरे के पर्यायवाची है। गोकुल धाम में कोई भी चीज बगैर हंगामे के हो जाए तो संभव ही नहीं है। बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे ठहाके। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि हाथ निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन आपके घरों में से ठहाकों की आवाज बहुत सारी निकलने वाली है क्योंकि हम लेके आ रहे हैं बहुत सारे हंगामे। तब तक सोचिए रहिए कि ये हाथ निकलेगा या नहीं। देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.